वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10 का ये एक्सरसाइज है। 8.4 का जो 10 टू क्वेश्चन है उसमें इंपॉर्टेंट वाला ये 7 नंबर क्वेश्चन है। इसको साबित करते हैं कि ये क्वेश्चन साबित होता कैसे। देखिए इसको बना करके क्या ला देना है, 10। आप बताइए 10 लाना है। वैसे 10 थीटा के बारे में जानते हैं, 10 थीटा बराबर होता है, अगर कहीं भी मिल जाए 10 थीटा तो होता है साइन थीटा अब बटा में कॉस थीटा, यही तो होता है। ये अगर आ जाएगा तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं। आप बताइए ना, ऊपर साइन है, इसमें भी ऊपर दोनों में साइन है और नीचे क्या है, कॉस है। अब लग रहा है कि आंसर आ जाएगा, साइन थीटा ऊपर दिख रहा है और कॉस थीटा नीचे। बताइए ये दोनों में साइन है, साइन को कॉमन ले लो, कॉमन लेने का मतलब बाहर निकाल लो। तो जब ये साइन यहाँ से निकल जाएगा तो कुछ नहीं तो एक लिखा जाता है। और यहाँ तीन ठो साइन है, कितना साइन है, 3। जब एक साइन बाहर निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, तो बचेगा ही 2 साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा। ये दोनों में क्या दिख रहा है, यहाँ पे दोनों में कॉस कॉमन दिख रहा है। तो जब कॉस कॉमन दिख रहा है तो दोनों में से कॉस निकाल दो। तो जब कॉस निकल जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में बचेगा 1। अब देखिए तो 10 थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा आ गया साइन थीटा। अब अगर किसी उपाय से अगर इसको हम काट दे, खत्म कर दे, तो बचेगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा और उसके जगह 10 लिख देंगे। तो एक काम करते हैं ना, उपाय तो बहुत आसान है, साइन थीटा इसको वैसे ही उतार दो, बट्टा कॉस थीटा में भी कुछ नहीं करेंगे। यहाँ देखिए 2 लिखिए, कोशिश कीजिए कि ये दोनों एक जैसा हो जाए। तो क्या कॉस साइन में बदल सकता है, डेफिनेटली बदल सकता है। कैसे, यहाँ लिख दीजिएगा 2 और कॉस के जगह पे लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 है तो 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको वैसे ही उतार दीजिए, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अब बट्टा कॉस थीटा। 2 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 2 होगा और 2 में साइन से गुणा कीजिएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इधर गुणा नहीं हुआ क्योंकि देखिए जहाँ तक ब्रैकेट रहता है वहीं तक मल्टीप्लाई होता है, माइनस में 1 कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये वैसे ही उतार दीजिए, ऊपर वाला साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अब बटा कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा 2। यहाँ देखिए तो 2 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा और माइनस ये लिख दीजिए 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों सेम आ गया, कट गया, क्या बच गया हमारे पास, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, 10 थीटा। तो हमने हम चले हैं इधर एल एच एस से और हमारा मिल गया इधर आर एच एस, माने कि लेफ्ट हैंड साइड से चले ये वाला बनाए और मिल क्या गया, राइट हैंड साइड मिल गया। तो ये आपका सत्यापित हुआ, यानी कि प्रूव्ड, लिख दो पी आर ओ वी ई डी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। अब बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कैसे साबित होता है। ध्यान से देखिए, ये दो क्वेश्चन है, इधर से बना करके हमको ये ला देना है। आखिर ये आएगा कैसे, ये a प्लस बी के द होल स्क्वायर पे, ये भी लग रहा है a प्लस बी के द होल स्क्वायर पे। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a और b, यही हो गया आपका। देखिए इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये ए के जगह पर है और ये बी के जगह पे है, इतना हो गया प्लस है तो प्लस। ये भी ए प्लस बी के द होल स्क्वायर पर तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पे कॉस है इसमें और इसमें बी के जगह पे क्या है, सेक है। यहाँ देखिए थोड़ा सा इसको हमको लाना क्या है, 7 लाना है और 10 और कॉट लाना है, घबराना नहीं है, वो बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ 7 है, नंबर कैसे आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, जब दोनों प्लस में होगा तो उसका वैल्यू होता है 1। यहाँ पे देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। अब प्लस ये कोसेक है तो कोसेक लिख दो, प्लस 2 साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा जब मिलेगा तो क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ भी 1 लिख दो प्लस, ये तो हो गया है, सेक थीटा उतार दो वैसे ही, 2
कॉसेक थीटा और कॉस थीटा और सेक थीटा मिलके क्या बनता है, वन बनता है। ठीक है, और वैसे भी आपको अगर ये याद नहीं है तो इसका हम ट्रिक भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, आप जा करके प्लेलिस्ट खोल के चेक कीजिए, बहुत आसान तरीका से, ठीक है, 5 मिनट में आपका टोटल फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। इसका भी वैल्यू होता है 1। अब बताओ तो एक यहाँ पे 1 और 2 यानी 2 हो जाएगा, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस में 2। 2 और 1 3 3 और 2 5 हमको मिल गया, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बच गया। हमको चाहिए यहाँ पे 10 और कॉट, तो ये 10 के फॉर्म में चेंज हो सकता है, 5 प्लस कॉसेक थीटा अगर यहाँ से आप निकालिएगा, ठीक है, तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो जब ये कॉट माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ए है तो यहाँ ए लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 5 और 1 6 और 1 कितना हो गया, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, तो PROVED प्रूव्ड हो गया, जो हमको वही लाना था, इसको सीधा करके लिख दिया, 10 आगे कर दिया और कॉट पीछे कर दिया। तो हम इधर LHS से चले और हमको मिल का गया RHS, तो यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर है RHS के, और ये साबित हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और लगा हो मज़ेदार तो फिर से शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे 8.4 को। तब तक के लिए जय हिंद।